हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका पूरा परिवार जो है दोस्तों वो भी ठीक ठाक होगा। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है हमारे किसान भाई और धान की फसल। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सबसे विनती है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों धान की। तकरीबन यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इधर नीचे मैं खड़ा हूँ, पर यहाँ नीचे धान की फसल बहुत पहले लग चुकी है और इस साइड दोस्तों चरी खड़ी है और इस साइड धान की फसल सारी लगाई जा चुकी है। दोस्तों धान की फसल बहुत अच्छी फल फूल रही है, पनप रही है और अपने परमात्मा और अपने गुरु भी काफ़ी मेहरबान हैं दोस्तों। इस समय भी आप देख रहे हैं ऊपर बादल हैं और किस वक्त बारिश आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। तो मैं काफ़ी खुश हूं दोस्तों इस बात को लेकर के कि इस साल काफ़ी अच्छे यहां पर मेघ बरस रहे हैं दोस्तों। और ऐसे ही मेघ बरसते रहें, हमारे किसान भाइयों की मेहनत को ऊपर उठाते रहें दोस्तों और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता रहे, ये मैं चाहता हूँ। और यही दरख्वास्त मेरी राज्य सरकार से है कि हमारे किसान भाइयों का हक उन्हें दिया जाए। और यही दरख्वास्त मेरी केंद्र सरकार से है दोस्तों कि बनता हक हमारे किसान भाइयों को दिया जाए दोस्तों। और अपने किसान भाइयों के साथ मैं खड़ा रहता हूं दोस्तों, खास तौर से मैं अपने किसान भाइयों के लिए वीडियो लेकर के आता रहता हूँ दोस्तों। और आज भी मैंने काफ़ी दिनों बाद समय निकाला है एक लंबी वीडियो बनाने का। और धान की फसल भी दोस्तों हमारे लिए और हमारे किसानों के लिए उतनी ही ज़रूरतमंद है जैसे गेहूं की फसल होती है दोस्तों। ये दो बड़ी फसलें हैं दोस्तों हमारे देश के अंदर जो हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करके उगाते हैं, पहली गेहूं वाली और दूसरी धान वाली। और धान वाली फसल के अंदर दोस्तों गेहूँ से भी ज़्यादा मेहनत होती है। इसमें पहले खेतों के अंदर पानी छोड़ा जाता है, फिर ट्रैक्टर चलाया जाता है, उसके बाद धान लगाई जाती है दोस्तों। और जब धान लग रही थी दोस्तों तो काफ़ी मौसम यहाँ पर गर्म था, लेकिन अभी हफ्ता 10 दिन से मौसम ठीक ठाक है, ठंडा है और बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय बारिश आ सकती है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उधर आप देख सकते हैं कि धान की फसल बहुत अच्छी तरह से फल फूल रही है, पनप रही है और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है दोस्तों अपने किसान भाइयों को खुशी देखकर और खुश देखकर, क्योंकि हमारे किसान भाई दोस्तों हमारी जान है, हमारे देश की शान है। और हमारे मुंह में वो जो निवाला डालते हैं दोस्तों तो हम किस्मत वाले हैं और उनका और परमात्मा का गुणगान हम दोस्तों करते हैं। अब ये धान की फसल दोस्तों अक्टूबर या नवम्बर में जा करके कटेगी, उसके बाद गेहूँ लगा दी जाएगी जो कि दूसरी बड़ी फसल है दोस्तों। उस तरफ से पहली है, इस तरफ से दूसरी है। तो यहाँ मेरे पास कोई किसान भाई मौजूद नहीं है दोस्तों हमारा, अन्यथा मैं इंटरव्यू लेकर के आपको दिखाता कि देखिए हमारे किसान भाई कितने यहाँ पर मेहनतकश हैं, क्योंकि उनकी मेहनत दोस्तों मैं तो बयान कर सकता हूँ लेकिन अपने मुंह से भी बयान करते हैं अपनी मेहनत। एक दो वीडियो मैंने डाली है अपने चैनल पर जा कर के, मेरे देख सकते हैं आप, और बिना माइक के वो वीडियो डाली थी मैंने। हालाँकि एक दो चार किसान भाइयों से मैंने वादा किया था, लेकिन अभी देखता हूँ दोस्तों अगर वो मिल गए तो माइक के साथ उनकी इंटरव्यू लेकर के वीडियो डालूंगा, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर एक दो दिन में ट्राई मारूंगा दोस्तों मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं कामों से फ्री हुआ था, मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बना लेता हूं मुद्दों को लेकर के, अपने किसान भाइयों को लेकर के। और भी काफ़ी लंबे प्रोग्राम हैं दोस्तों आने वाले समय में, आप यूट्यूब पर लाइव भी देखेंगे मेरे चैनल पर जा करके। और ट्रेनों की वीडियो भी दोस्तों मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ, क्रिकेट की वीडियो भी डालता हूँ। और जब यहाँ पर गेहूँ की फसल लगेगी दोस्तों उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा। और आने वाले समय में मैं धान के पास बैठ करके माइक ले करके अपने किसान भाइयों के इंटरव्यू आपको सभी को दिखाऊंगा दोस्तों अपने चैनल के ऊपर। तो मेरी अपने परमात्मा गुरु से दुआ है दोस्तों कि हमारे किसान भाई ठीक ठाक रहें और हमारे मुंह में निवाला डालता रहे अन्न का, वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें दोस्तों। और सरकार जो है नई नई स्कीमें लेकर के हमारे किसान भाइयों के लिए आती रहे, चाहे वो केंद्र सरकार है दोस्तों चाहे राज्य सरकार है, उन दोनों ही सरकारों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहूँगा दोस्तों और अपने किसान भाइयों का भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना
और अपने पूरे परिवार का जो है ख्याल रखिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।